सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि चार्ट एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, रियल में चार्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है, प्रॉफिटेबल चार्ट एनालिसिस, उसके बारे में मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं गाइस। और सबसे पहले देखिए, चाहे आप इन्वेस्टर हों या ट्रेडर हों, चार्ट एनालिसिस तो आपको आना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि अगर आपकी चार्ट एनालिसिस पे पकड़ मजबूत नहीं है तो आप किसी भी तरीके से प्रॉफिटेबल कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो आज की एक कंप्लीट वीडियो है चार्ट एनालिसिस के बारे में। मैं ए टू जेड यहाँ पे क्लियर करूँगा कि रियल में चार्ट एनालिसिस कैसे ही किया जाता है, प्रॉफिटेबल चार्ट एनालिसिस। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो स्पेशली इंट्राडे के लिए है कि इंट्राडे में आप लोग को चार्ट एनालिसिस कैसे करना है और किस तरीके से मैं करता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट से हमको कोई मतलब नहीं है। अगर देखिए, अगर आप बिगिनर हैं खास तौर पे, तो जो मैं ये प्रोसेस बताने वाला हूँ, आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट होने ही होगा पक्का, प्रैक्टिस करने के बाद में। ठीक है, तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोगों को आवरली 30 मिनट पे, ये 30 मिनट का चार्ट है। मैं जो पर्सनली करता हूँ वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो मेरा तरीका है यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग का। देखिए, कभी भी मुझे नहीं लगता कि अगर आप बिगनर हैं या मीडियम हैं तो मार्केट खुलने से 1 या 1.5 घंटे बाद ही ट्रेड किए करें, तब तो ही प्रॉफिट होगा। क्योंकि देखिए, सुबह में मार्केट 1 से 1.5 घंटे तक वोलाटाइल होता है और ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये रेयर ही पता चल पाएगा। 1 से 1.5 घंटा हर हाल में अवॉइड करें। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को अगर सीक्रेट बताऊँ तो कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा इंतज़ार करना चाहिए। मार्केट खुलने के 2 घंटे तक अगर आप इंतज़ार करने के बाद में अगर आप ट्रेड लेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपका जो विनिंग स्ट्रीक है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यानी मार्केट 9:15 बजे खुलता है, उसके 2 घंटे बाद में। ठीक है, 2 घंटा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 घंटे के बाद में मार्केट सेटल हो चुका होता है, यानी अप साइड या डाउन साइड। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में जाने वाला है, तो फिर अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट अगर सुबह सुबह खुला और आप बिगनर हैं या ट्रेडिंग में 2 साल या 3 साल हो चुके हैं तो भी सुबह सुबह ट्रेड करके प्रॉफिट आप लोग नहीं कमा सकते। ठीक है, तो पहला नंबर तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरा जो चार्ट एनालिसिस करने का जो सही तरीका है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि कम से कम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ये देखना है। देखे आप लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि मेजर ट्रेंड क्या है। 30 मिनट अगर चार्ट खोले आप लोग तो यहाँ पे ये पता चल जाता है कि देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है। अब अगर यहाँ पे सपोर्ट के पास अगर आया, देखिए मार्केट मान लीजिए 30 मिनट पे अगर सपोर्ट पे आया है, और अगर आप 30 मिनट चार्ट पे क्लियर किए कि मान लीजिए देखिए यहाँ पे सपोर्ट है और मार्केट खुलने के बाद 2 घंटे बाद में नीचे आ रहा है। अब देखिए, अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर नहीं खुलेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, जबकि यहाँ पे देखिए कि रिसेंटली सपोर्ट है। ठीक है, तो 30 मिनट चार्ट फ्रेम जब भी खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सपोर्ट के पास तो नहीं है या रेजिस्टेंस के पास तो नहीं है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है तो अगर वहाँ पे बाइंग सिनेरियो बैठता है तो वहाँ पे बाय नहीं करेंगे, या सेलिंग सिनेरियो बैठता है तो सेलिंग नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे एक ज़बरदस्त यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और मार्केट यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस था, वहाँ से डायरेक्ट नीचे चले आया। तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार क्रॉस चेक करिए कि मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे है कि नहीं है। देखिए ये तो हो गया। अब दूसरी बात में जो इंट्राडे टाइम फ्रेम पे जो काफ़ी ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट या इवन 2 मिनट 3 मिनट, तो अब यहाँ पे अगर एक बार ट्रेंड कन्फर्म हो गया उसके बाद में हम लोगों को अब जो असली खेल है वो यहाँ पे है। मान लीजिए आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हैं, आप जो जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हैं, जिस पे आपका एक्सपर्टीज़ है उसी पे करिए। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि इतने पे करिए या 15 पे कीजिए या 5 मिनट पे कीजिए या 2 मिनट पे कीजिए, ये आप लोगों का जो एक्सपर्टीज़ है
वो उसके अकॉर्डिंग किसी पर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरा जो एक्सपर्ट है, मैं मेरा जो एक्सपर्टीज जिसमें मैंने हासिल किया है वो है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये मेरा है। अगर आप बहुत सारे लोग 5 मिनट पे करते हैं, 10 मिनट पे करते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कहीं पे दिख रहा है या फिर बीच में है, ठीक है, तो वहाँ पे अब आप लोगों को क्रॉस वेरीफाई करना है। आप जो भी डबल टॉप पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये डबल बॉटम के जैसा यहाँ पे बना रहा है, ये दिख रहा है आपको, और मार्केट सपोर्ट के नियर बाई दिख रहा है 30 मिनट पे, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पे अब यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड तो नहीं ले सकते। ये देखिए डबल टॉप क्लियरली यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में वेट करना है कि देखिए यहाँ पे अगर डबल बॉटम में वाकई में बनाया है तो यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं। कुछ इस टाइम में अगर वहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है तो वहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट किया, यहाँ पे ट्रेड लेके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर का टारगेट, ठीक है। कुछ इस तरह से चार्ट को एनालाइज करके ट्रेड कर सकते हैं। अब मान लीजिए, ये तो मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, आप जो भी सिनेरियो पे ट्रेड करते हैं, चाहे डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया, बुलिश फ्लैग पैटर्न हो गया या डब्लू पैटर्न हो गया, जो भी आप जिस पैटर्न पे भी ट्रेड करते हैं उस पे ही आप लोग ट्रेड कीजिए। वो स्पेसिफिकली मैं नहीं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को चार्ट एनालिसिस करने का रियल तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे चार्ट को कैसे माइंड सेट क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए लोअर टाइम फ्रेम पे, ये लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे आप लोगों को क्लियर है कि मार्केट यहाँ पे नहीं, अप ट्रेंड में ही जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, ये मान लीजिए देखिए यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट हुआ और रीटेस्ट करके फिर आराम से अपना जितना ये था उतना हम लोगों को टारगेट अचीव हो गया। तो चार्ट एनालिसिस कुछ इस तरीके से आप लोग रियल में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप लोगों को यहाँ पे जिस आप जिसमें माहिर हैं उसी में ट्रेड कीजिए, डबल टॉप, डबल बॉटम, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन उसी में कीजिए, लेकिन चार्ट एनालिसिस करने का और माइंड सेट डेवलप करने का तरीका रियल में यही है कि आप लोग बड़े टाइम फ्रेम पे ज़रूर एक बार क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करें। उसके बाद में 5 मिनट अगर सपोज कीजिए, चलिए यहाँ पे मैं 5 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। अब अगर 5 ही मिनट का टाइम फ्रेम पे लगाएं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल बॉटम के जैसा बना रहा था, तो यहाँ पे अपने हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग 5 मिनट या 10 मिनट पे कीजिए, लेकिन एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे इसको क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करिएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो भी यहाँ पे सिनेरियो बने, यहाँ पे देखिए देखिए डबल बॉटम बन रहा है। ज़्यादातर मैं यहाँ पे डबल बॉटम इसलिए बता रहा हूँ कि मैं डबल टॉप या डबल बॉटम पे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा होता है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, डबल बॉटम यहाँ पे बनाया और यहाँ पे क्लियरली ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइस चार्ट एनालिसिस करने का जो सही तरीका है, जो रियल तरीका है, वो मेरे हिसाब से यही है, ठीक है। तो अब आने वाले सीरीज में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पैटर्न बनते कैसे हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगली वीडियो उसके बारे में होने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच।